नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेक्निक्स फॉर सपोर्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स, कि कैसे हम जो है लार्ज प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी मेमोरी की साइज़ हमें पता है लिमिटेड होती है मेन मेमोरी की साइज़, तो अगर हमें मेन मेमोरी की साइज़ से कोई बड़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, जैसे ये 500K की है और हमारा प्रोग्राम 600K का है, तो क्या हम एग्जीक्यूट करवा पाएंगे? क्या लगता है कि नहीं करवा पाएंगे? क्योंकि जब इसकी साइज़ बड़ी है तो ये पूरा प्रोग्राम तो मेमोरी में आ ही नहीं सकता है, तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि हमारी हमने ड्रॉबैक्स देखे थे कंटिगियस एंड नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में, कि जो साइज़ ऑफ प्रोग्राम है इट शुड बी लिमिटेड टू द साइज़ ऑफ मेन मेमोरी। तो हम ऐसा क्या करें कि इस ड्रॉबैक को हम रिमूव कर पाएँ कि जो साइज़ ऑफ प्रोग्राम है वो साइज़ ऑफ मेन मेमोरी पे डिपेंडेंट नहीं हो। ये कितना भी बड़ा प्रोग्रामर जो है कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख पाए, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट यूज़ होता है? वर्चुअल मेमोरी। बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी दैट द इंटायर प्रोग्राम शुड बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। अभी तक हमने कंटिगियस एंड नॉन कंटिगियस में यही देखा था कि जो भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है वो पूरा का पूरा मेन मेमोरी में होना चाहिए। कंटिगियस मेमोरी लोकेशन में क्या हो रहा है? कंटिगियस पार्टीशन उसे एलोकेट हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट हो रहे थे। नॉन कंटिगियस में नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन हो रहा था, लेकिन पूरा का पूरा प्रोग्राम कहाँ पर प्रेजेंट था? मेन मेमोरी में। दिस रिक्वायरमेंट विल रिस्ट्रिक्ट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर हम ये रिक्वायरमेंट रखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होना है तो वो पूरा का पूरा मेन मेमोरी में रहे, तो उस केस में क्या होगा? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूज़ हो जाएगी। क्यों रिड्यूज़ होगी? क्योंकि अगर सपोज करो कि हमारी मेमोरी 500K की है और दो प्रोग्राम्स जो हैं एक 300 का है एक 200 का है, तो सिर्फ पूरा का पूरा अगर हमें प्रोग्राम को रखना है तो हम सिर्फ दो ही प्रोसेस को मेन मेमोरी में रख पाएंगे। लेकिन अगर ये लिमिटेशन नहीं होता कि आप पूरा प्रोग्राम रखो, तो हम इसका कुछ पार्ट रख लेते 300 का जो अभी करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, और 200 का कुछ पार्ट रख लेते जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, जो बाकी मेमोरी बचती वो किसी दूसरी प्रोसेस को दे देते, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेन मेमोरी में बढ़ जाती, जिससे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो पूरा का पूरा कहाँ पर होना चाहिए? मेन मेमोरी में। अगर वो मेन मेमोरी में रहेगा तो कम प्रोसेसेस जो होंगी वो मेन मेमोरी में रिसाइड कर पाएंगी, तो उस केस में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब रिड्यूज़ हो जाएगी। कैसे? तो टू ओवरकम दिस रिस्ट्रिक्शन द मेथड ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट इज यूज्ड। तो इस रिस्ट्रिक्शन को कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो कम नहीं हो, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ करके। यूजिंग वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट इट इज़ पॉसिबल टू एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम इवन इफ इट इज़ नॉट इंटायरली प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट यूज़ करके हम प्रोग्राम को तब भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब वो पूरा का पूरा मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं हो। तो वर्चुअल मेमोरी इज़ ए टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस दैट मे नॉट बी कम्प्लीटली इन मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं चाहे वो कम्प्लीटली मेमोरी में प्रेजेंट हो या ना हो। मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट द प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी। तो इससे क्या होगा? वर्चुअल मेमोरी से हम क्या कह रहे हैं? वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हम इनकम्प्लीट जो प्रोग्राम मेन मेमोरी में है उसको भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम की साइज़ कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि पूरा प्रोग्राम तो हम मेमोरी में पूरे प्रोग्राम को तो हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम प्रोग्राम कितना भी बड़ा बना सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज़ द सेपरेशन ऑफ यूज़र लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी। यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी का सेपरेशन किया गया है। दिस सेपरेशन अलाउज एन एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोग्रामर्स व्हेन ओनली ए स्मॉलर फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल। तो वर्चुअल मेमोरी के थ्रू क्या किया है हमने? जो यूज़र लॉजिकल मेमोरी है यानी जो प्रोग्राम है उसको फिजिकल मेमोरी से सेपरेट किया गया है, यानी मेन मेमोरी से सेपरेट किया गया है। उससे क्या होगा? जो वर्चुअल मेमोरी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसको क्या मान रहे हैं? वर्चुअली। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम मेमोरी में नहीं होगा, लेकिन यूज़र को क्या लगेगा कि वो पूरा का पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में है तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसीलिए उसका जो प्रोग्राम है वो क्या है? वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो लार्ज एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोग्रामर्स व्हेन ओनली ए स्मॉलर फिजिकल मेमोरी इज़ अवेलेबल। तो यूज़र के लिए लार्ज वर्चुअल मेमोरी
या प्रोग्रामर के लिए लार्ज वर्चुअल मेमोरी अवेलेबल है, उसको ऐसा लगता है कि जो मेमोरी है वो बहुत बड़ी है, एक इल्यूजन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसीलिए इसे वर्चुअल टर्म दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, स्मॉलर फिजिकल मेमोरी जो है वो अवेलेबल है। तो जो यूज़र का प्रोग्राम है वो कितनी भी साइज़ का हो सकता है, तो जो यूज़र को मेमोरी दिख रही है वो एक्सट्रीमली लार्ज दिख रही है, इसीलिए वो वर्चुअल मेमोरी है। तो हम देखें तो क्या क्या एडवांटेजेस हो गए वर्चुअल मेमोरी की। साइज़ ऑफ प्रोग्राम कैन बी मोर देन दी साइज़ ऑफ मेन मेमोरी, हमारे साइज प्रोग्राम का साइज़ मेन मेमोरी से बड़ा हो सकता है। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, बिकॉज सेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स लोडेड ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड इन सीपीयू। तो एफिशिएंट यूज़ हो रहा है मेमोरी का, क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम का उतना ही सेक्शन मेमोरी में लोड हो रहा है जितना सीपीयू को चाहिए, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में आ पाएंगी, तो मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में होंगी उतना ज़्यादा हमारा सीपीयू क्या रहेगा, बिजी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे सीपीयू क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी हो और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो।